मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 182 करोड़ की लागत के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों समेत अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर विभिन्न सौगातें दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में नवग्रह मेले का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। खरगोन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबके मन में एक ही संकल्प है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में उस ऐतिहासिक पल को निहारने के लिए पूरा विश्व तैयार है, जब भव्य और दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जनकल्याण की जो भी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, कोई योजना बंद नहीं होगी, पर्याप्त धनराशि का प्रबंध कर सभी योजनाएं चलती रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खरगोन में आयोजित जन आभार यात्रा में नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत व अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री जी ने भी उपस्थित जन समूह का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कार्यालय खरगोन में आयोजित इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक में जन प्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, प्रगति तथा विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में चिकित्सा विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों से विभागीय संरचना, चिकित्सकीय अधोसंरचनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनवरी माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन के बाद उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी।